हेलो, वेलकम बैक टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और आज का हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड अप्रोचेस, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अभी तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है, क्या क्या कंसेप्ट फॉलो किए गए हैं, कैसी थ्योरीज डेवलप हुई हैं, क्या अप्रोचेज लगाई गई हैं, तो उन सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कंसेप्ट, थ्योरी और अप्रोच का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। हम सुनते तो बहुत बार है कंसेप्ट, थ्योरी, अप्रोच, ठीक है, नेचर, स्कोप, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता है। तो डिटेल में देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मीनिंग है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, एंड अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन, एंड अगर आपको स्लाइड्स डाउनलोड करनी है, यानी कि इन लेक्चर्स के आपको नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट डायनामिक्स में कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड अप्रोचेज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से आपका मतलब क्या है? इट बेसिकली कंटेन्स द आंसर टू व्हाट डेवलपमेंट इज। आपके मामले में या आपके थिंकिंग में या आपके मतलब ओपिनियन में डेवलपमेंट है क्या? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर देना, या फिर लोगों की डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट का होना, या सिर्फ इकोनॉमी का डेवलप होना है क्या डेवलपमेंट? ये कॉन्सेप्ट है उसका। और ऑब्वियसली इसका ये वैल्यू फ्री तो नहीं हो सकता, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगा कभी भी, वैल्यू फ्री नहीं होगा, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगा, कहीं ना कहीं वैल्यू जुड़ी हुई होती है हमारी इसके साथ। इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट नोशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी अंडरस्टूड बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब होना चाहिए, क्या है डेवलपमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। दीज नोशन कैन बी फॉर्मुलेटेड एज डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, इधर इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर कंडीशंस व्हिच मस्ट बी अचीव्ड और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ चेंज। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि डेवलपमेंट मतलब हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन चेंज करनी है, जैसे सोसाइटी के अंदर कोई एक बुरी हैबिट, मतलब एक बुरी प्रथा चली आ रही है, हमें वो खत्म करनी है। जैसे वीमेन, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलो, तो वीमेन, इनको एम्पावर करना है, तो ये हमारा क्या है, एक कंडीशन है जो हमें अचीव करनी है, या स्वच्छ भारत का, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, ये एक आपके पास क्या पर्टिकुलर कंडीशन है डेवलपमेंट की जो आपको अचीव करनी है। और दूसरा क्या, सर्टेन डायरेक्शन ऑफ चेंज। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस चेंज, तो चेंज की डायरेक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो आपकी अपनी ये मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंडर। आप डायरेक्शन को या फिर जो आपकी कंडीशंस होती हैं, जो आपको पर्टिकुलर कंडीशन अचीव करनी होती है, वो दोनों के दोनों जो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। फाइन, सो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मींस व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट इज। फाइन, देन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी कुछ क्वेश्चन को आंसर करती है, जैसे जो आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए हैं, जैसे आपको विमेन को एम्पावर करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो किस तरीके से आप उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे? क्या आपके पास तरीका है, कौन सा वो मेथड है जो आप लागू करोगे वहां पर, किस तरीके से उन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा? देन जब आप वो आपने जो सोचा है, जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी, डिले होगी, क्या क्या कंडीशंस है, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बताती है। एंड देन डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स नहीं, फैक्टर, ठीक है, जो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के अंदर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोसाइटी हो गई, लोगों का बिहेवियर हो गया, सो विच एक्टर्स है, व्हाट एक्टर्स प्ले डोमिनेंट रोल। ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी वैल्यू न्यूट्रल क्वेश्चन नहीं है। फाइन, स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी क्या होता है? आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब आप क्या एक्शन ले रहे हो? विमेन एम्पावरमेंट, फाइन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में हमने समझ लिया थ्योरेटिकली सब कुछ कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन एक्चुअल में उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोशन रेफरिंग एसेंशियली टू द एक्शंस एंड इंटरवेंशन दैट कैन बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू प्रमोट स्ट्रिक्टली डिफाइंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड दीज आर वैल्यू लोडेड। फाइन,
जैसे विमेन एम्पावरमेंट एक कॉन्सेप्ट है आपका, डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। थ्योरी क्या कहती है कि आपको विमेन को एम्पावर करना चाहिए, मतलब जो भी आपकी फेमिनिस्टिक अप्रोच के थ्रू जो भी आपकी थ्योरी बिल्ड हुई है। उसके बाद में स्ट्रेटेजी क्या है कि एक्चुअल में आप कैसे विमेन को एम्पावर कर रहे हो, उनको एजुकेशन दे रहे हो या फिर किस तरीके से उनको एम्पावर किया जा रहा है। सो दीज आर वेली लोडेड क्वेश्चंस। फाइन, अब डेवलपमेंट थ्योरी पे आते हैं। डेवलपमेंट थ्योरी में हम पढ़ेंगे चार थ्योरी के बारे में डिटेल में। फर्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, सेकंड डिपेंडेंसी थ्योरी, थर्ड जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, एंड फोर्थ है मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी। नाम बड़े बड़े लग रहे हैं इन थ्योरी के, लेकिन जब आप फर्दर वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वही चीजें जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट इनको एक थ्योरिटिकल आस्पेक्ट के अंदर जस्ट फ्रेम किया गया है, बट बहुत सिंपल चीजें हैं और वही चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी हुई है। सो स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से, देन डिपेंडेंसी थ्योरी को रीड करेंगे, फिर वर्ल्ड सिस्टम और फिर मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी। फाइन, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, नाम से पता चल रहा है मॉडर्नाइजेशन। एक टाइम ऐसा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज, तब ये माना जाता था कि मॉडर्नाइजेशन ही डेवलपमेंट है। अगर आपने अपने आप को मॉडर्न बना लिया तो आप डेवलप्ड माने गए। फाइन, सो इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया। डेवलपमेंट को एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस माना गया और ये कहा गया कि जो कंट्री लो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है, यानी जहां पर डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, उनको डेवलप्ड नेशन का जो पैटर्न है वो फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, तो उन कंट्री ने जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट की है, आपको भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी वही डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट जो रहे उन्होंने कहा दैट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज इंडिस्पेंसेबल सॉल्यूशन टू द डेवलपमेंट प्रॉब्लमैटिक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हुई थी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेवलपमेंट की, और उनके लिए एक इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसको मतलब अल्टरनेटिव नहीं है जिसका, यानी कि आपके आपको अगर डेवलप होना है तो आपको वेस्टर्न कंट्री का डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। फाइन, सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का बेसिक मतलब जो मुद्दा है वो यही है दैट वेस्टर्न मॉडल इज इंडिस्पेंसिबल सॉल्यूशन टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। दे फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। वेस्टर्न कंट्री मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली सोशल और पॉलिटी भी ग्रो कर जाएगी, बट हमें पता है कि एक्चुअल में डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं मानी जाती, इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ पॉलिटिकल ग्रोथ या सोशल ग्रोथ भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता है पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक, तभी जाकर के ये एक डेवलपमेंट या तभी जाकर के डेवलपमेंट होती है। So they focused on economic growth accompanied by political stability, not on social transformation itself. Economic growth हो साथ ही साथ political stability बनी हुई हो, society पे या social transformation पे उन्होंने focus नहीं किया। So that is the modernization theory. Obviously इनके काफी सारे critics भी आपको देखने को मिलेंगे। Further क्या कहते हैं कि जो third world countries है या जो developing country है, उनको blindly अंधाधुंध follow करना चाहिए western developed countries को। जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही आप कॉपी करते चलो। ओके, सो दिस सजेस्टेड दैट द डेवलपिंग कंट्री शुड ब्लाइंडली फॉलो द एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न डेवलप्ड नेशन एंड द रोल ऑफ ट्रेडिशन वाज डिसफंक्शनल टू डेवलपमेंट एंड हेंस दिस हैज टू बी डिस्पेंस्ड विद। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर हैं, जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमारा जो मतलब हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है, ये माना गया कि डेवलपमेंट में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ट्रेडिशन वाला आस्पेक्ट, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशन को छोड़ देना है, मॉडर्न होना है। फाइन, सो ये थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब इसके क्रिटिक्स देख लेते हैं क्या है। क्रिटिसिज्म क्या कहा गया, जो लास्ट लाइन थी वही क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट द अर्ली मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट व्यूड ट्रेडिशन एज एन ऑब्स्टेकल टू द डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट ने ये कहा कि ट्रेडिशन एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है डेवलपमेंट में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, they neglected external factors in conflict as source of change. sirf economic growth hi change nahi lati, bahut sare other factors bhi hain, conflict hai wo bhi change lati hai, to unhone un factors ko miss kiya.
1980s तक आते आते जो मॉडर्निटी थ्योरिस्ट थे जैसे विंस्टन डेविस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्रेडिशन को एक एडिटिव फैक्टर माना डेवलपमेंट का. ट्रेडिशन भी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं. एंड दिस सजेस्टेड मल्टी डायरेक्शनल पाथ ऑफ डेवलपमेंट. सिर्फ एक बात नहीं है कि जस्ट आप वेस्टर्न कंट्री के एग्जांपल को फॉलो करते जाओ. वहां पर आया था ना कि इंडिस्पेंसिबल सॉल्यूशन, मतलब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है. लेकिन बाद के जो मॉडर्निटी थ्योरिस्ट है वो क्या कहते हैं, आपके पास मल्टी डायरेक्शनल पाथ्स हैं डेवलपमेंट के लिए. फाइन, सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी. डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है बेसिकली कि सबसे पहले तो ये कि ये एज अ चैलेंज टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. डिपेंडेंसी थ्योरी उभर के आई एज द फर्स्ट टू चैलेंज द मेन थीसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ये 1950s के एरा में लेटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है वहां पर ओरिजिनेट होती है ये. और ये कहा गया जैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मॉडर्निज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, वैसे डिपेंडेंसी थ्योरी अंडर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती है. इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट वॉज गिवन ग्रेटर फोकस बाय द डिपेंडेंसी थ्योरी. उन्होंने ये कहा कि जो अंडर डेवलपमेंट है, आज के दिन अगर हम डेवलप नहीं है तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री की ही देन है. दे स्ट्रेस्ड दैट द अंडर डेवलपमेंट इज द हिस्टोरिकल आउटकम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम. जो वेस्टर्न कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है उसी की ही देन है कि आज हम अंडर डेवलप्ड हैं. So the basic theoretical thrust was that capital penetration leads to and reproduces combined and unequal development of its constitutive part. यानी कि सेंटर में अगर कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म है सेंटर में, तो उसके जो अराउंड जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट हो गए या उसकी जो आउटर एरियाज हो गए वहां पर डेवलपमेंट अनइक्वल होगी. फाइन, अगर आपको ये कॉट समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. सो इट बेसिकली सजेस्ट कि अगर आपने सेंटर में आप यानी कि आप कैपिटलिस्ट थ्योरी को फॉलो करते हो, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो डेवलपमेंट काफी अनइक्वल होगी. फाइन, और क्लासिकल डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कौन कौन से थे, आंद्रे, फ्रैंक और स्मीर, अमीन. फाइन, अगर आप नाम याद रखना चाहो तो, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो लोगों ने क्या कहा, थ्योरिस्ट ने क्या, स्कॉलर्स के माइंड में क्या था कि वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करो डेवलपमेंट होगी. धीरे धीरे समझ में आया कि ये तरीका सही नहीं है, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ही डेवलपमेंट नहीं है. तो लोग एक नई अल्टरनेटिव उभर के आया, डिपेंडेंसी थ्योरी. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम अंडर डेवलप्ड हैं ही इस वजह से, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से, और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हम वही फिर सिस्टम मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो है चैलेंज के तौर पर उभर के आया था. फर्दर डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस टू यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन डेवलप्ड कंट्री कैप थर्ड वर्ल्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितना भी प्रोड्यूस करती है, जो उनका इकोनॉमिक सरप्लस होता था वो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर चला जाता था. तो वो तो हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो कोई और ले रहा है, हम तो अंडर डेवलप्ड रहेंगे. इन द हिस्टोरिकल प्रोसेस The colonialists have made the third world dependent on their colonial power. हमें dependent बना दिया, independent हुए हम बाद में, लेकिन पहले हमें dependent बनाया गया on the colonial powers. And new dependency जो theorists बाद में उभर के आए, उन्होंने they view the nature of dependency in the social political terms. सिर्फ economic terms में ही नहीं बल्कि social political terms में भी उन्होंने dependency को feel किया. And they focused on the historical structural aspect of dependency, emphasizing internal aspect, class conflict and the role of the state. Fine. So later, the dependency theorists, they didn't just focus on underdevelopment, but also internal aspect within society, what kind of create class conflict and what role the state is, they also focused on that. But keeping the historical structural aspect. Fine. So that is the dependency theory. अब डिपेंडेंसी थ्योरी में भी कुछ गड़बड़ लगी या हम उनको फॉलो नहीं कर पाए, तो उसके बाद में भी एक और थ्योरी डेवलप होती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी नेशन की वो डिपेंड करती है कि उनकी मार्केट कितनी बढ़ रही है. डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेंशन ऑफ और द स्प्रेड ऑफ देयर मार्केट कंट्रोल. हम क्या करते हैं आज के दिन, कंट्री की जीडीपी देखते हैं या फिर कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है वो, वर्ल्ड सिस्टम में कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनसे उनकी डेवलपमेंट आंकी जाती है.
So in their view, the origin of underdevelopment is based upon the inclusion of third world country within an unfair world capitalist system. तो उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी को ही आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो ये अंडर डेवलपमेंट का है सिस्टम है, ये अंडर डेवलपमेंट क्यों हुई, ये बेसिकली इस वजह से हुई क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक अनफेयर वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एंटर कर गई, एक ऐसा सिस्टम जहां पर बड़े प्लेयर्स बैठे थे, जहां पर वेस्टर्न कंट्री बड़े प्लेयर थे और वहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंटर कर गई, इसी वजह से अंडर डेवलपमेंट हुई। और इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि सोशलिस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट ही इसका सोल्यूशन है। फाइन, सोशलिस्ट वर्ल्ड मतलब सब कुछ किसी कोई मतलब कोई ऑन नहीं कर सकता, कोई किसी का मास्टर नहीं है, कोई किसी का ओनर नहीं है, सब कुछ सोसाइटी का है। तो उन्होंने कहा जैसे यूएसएसआर के अंदर था पहले, सो रिकमेंडेशन हैज बीन दैट अ सोशलिस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट वाज द सॉल्यूशन टू द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यहाँ पर इन्होंने किस पे फोकस किया है, कैपिटलिज्म पे फोकस किया, और ये माना है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कैपिटलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, देन लास्ट क्या आता है, मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी। 1980s और 1990s का जो एरा था वहां पर सेटबैक होता है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री को। 1991 के अंदर इंडिया भी इसको फिस्कल प्रॉब्लम को फेस करती है। फाइन, सो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री सफर्ड फ्रॉम फिस्कल इम्बैलेंस विच दे एट्रिब्यूटेड टू द ओवर स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर आइटम्स। जो बजट था उनका, जो उनके फिस्कल स्पेंडिंग थी, इम्बैलेंस हो जाती है वो, क्यों, क्योंकि स्टेट्स ने बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया ऑन द वेलफेयर आइटम्स। तो उन्होंने ये कहा कि अब जो ये वेलफेयर वाला सिस्टम है इसको छोड़ दो और स्टेट का रोल कम कर दो। सो दे फोकस नाउ ऑन टू गेट अवे फ्रॉम द वेलफेयरिज्म एंड रिड्यूस द रोल ऑफ स्टेट। ज्यादा से ज्यादा मार्केट आनी चाहिए, स्टेट का रोल कम कर दो। सो मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डेवलपमेंट मीन्स सक्सेस इन द मार्केट प्लेस विद लिटिल और नो अटेंशन पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक गेन्स इधर बिटवीन और विद इन कंट्री। हम क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई कंट्री ग्रो कर रही है इन द इकोनॉमिक टर्म्स, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं कि बड़ी हुई जीडीपी का फायदा पूरी पॉपुलेशन को हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए स्टेट आगे आया, स्टेट ये इंश्योर करता था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट का फायदा सबको हो। लेकिन यहाँ पर मार्केट एंटर कर गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटर कर गया। प्राइवेट सेक्टर ये थोड़ी ना ध्यान रखेगा कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है वो सबको इक्वली मिले, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन इसका, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है। फाइन, तो मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी डेवलपमेंट को क्या बना दिया कि मार्केट प्लेस पे आपकी कितनी अच्छी पहुंच है, कितनी अच्छी सक्सेस है, वही डेवलपमेंट है। मार्केट अच्छी है तो डेवलपमेंट है। और फिर किस तरीके से जो इकोनॉमिक गेन्स है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है, वो अगर एक हो सकता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक पर्सन ऐसा हो जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा, और एक ऐसा हो सकता है जिसके लिए शायद रोटी भी ना हो दो टाइम की। तो ये जो है, ये मार्केट ओरिएंटेशन थ्योरी की जो कहीं ना कहीं फेलियर उभर के आया था, बट अभी भी डिबेट चल रही है इस बात पे। ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है हमेशा से कि स्टेट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए कि मार्केट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। फाइन, और ये जो 1990s के बाद का एरा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुए इस बारे में, मार्केट ओरिएंटेशन या फिर स्टेट वर्सेज मार्केट डिबेट भी होती है, तो अदर अप्रोचेज भी हैं। फाइन, ये चार इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक रिविजन देखो, सबसे पहले क्या आती है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ही है डेवलपमेंट। सेकंड, डिपेंडेंसी। उन्होंने क्या कहा कि जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी अंडर डेवलपमेंट के लिए। थर्ड क्या आती है, वर्ल्ड सिस्टम। वो क्या कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो किस वजह से है, क्योंकि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्री, वो एक अनफेयर वर्ल्ड सिस्टम के अंदर एंटर कर गई है। देन मार्केट ओरिएंटेशन मतलब स्टेट वर्सेज मार्केट की डिबेट उभर के आती है। इसके अलावा भी डेवलपमेंट की कुछ और अप्रोचेज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं बेसिक नीड अप्रोच। नाम से पता चल रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड होती है उसके रिगार्डिंग है। इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग 1970s एंड अंडर दिस डेवलपमेंट एम्फेसाइज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ सिंगुलर कंसर्न विद रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू दैट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपको वर्ल्ड इकोनॉमी को ही रिस्ट्रक्चर नहीं करना है, बदलना ही नहीं है, बल्कि आपको अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी रिस्ट्रक्चर करना है। And it focused on new internal economic order. Within country आप change लेकर के आओ, fine, एक नया economic order लेकर के आओ। और mainly focus किस पे किया गया कि जो poverty है, जो गरीबी है country के अंदर, उसको eradicate किया जाए, उसको हटाया जाए, social injustice को हटाया जाए।
Fine. So they aimed at the eradication of mass poverty and social injustice. So this is the basic need approach. उसके बाद में ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन परस्पेक्टिव, ये 1980s के अंदर ओरिजिनेट होती है. एंड अंडर दिस कंटेम्प्रेरी थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज आर सीन एसेंशियली कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर. यानी कि आपको एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर देखने को मिल जाएंगे. कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. हो सकता है कि आपको मतलब मॉडर्न इंस्टीट्यूट भी मिल जाए और हो सकता है आपको ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट भी मिल जाए. सो दिस थ्योरी क्या, ये जो अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी है, ये बेसिकली क्या कहती है कि जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज हैं, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर आपको अलग अलग या कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर मिल जाएंगे. फाइन. उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है और कैपेबिलिटी अप्रोच है. कैपेबिलिटी अप्रोच में आप अमर्त्य सेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा या उनकी जो राइटिंग है अमर्त्य सेन की, उसके बारे में रीड आउट करते हो. सो आई होप कि ये आप डिटेल में कवर कर लेंगे. फिर भी अगर कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं. फाइन. तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. कुछ डाउट है सो कमेंट सेक्शन अपना ये एरिया समझिए, डाउट है तो पूछिए. फाइन. एंड मोटिवेट कीजिए. ऑब्वियसली आपके जो वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है काम करने के लिए. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक है, वो है चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. काफी सिमिलर है, जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उन्हीं के कुछ सिमिलर हैं. तो टाइम अगर परमिट करेगा तो एक नया टॉपिक भी कवर कर लेंगे साथ ही साथ. एंटी डेवलपमेंट थीसिस हो रही है इनके बारे में. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एज मच.